गर्मियों के मौसम में हिल स्टेशन पर घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। इंडिया में ऐसे कई हिल स्टेशन हैं जहां आप नेचुरल खूबसूरती के साथ साथ ठंडी जगहों पर जाकर इस भड़कती गर्मी से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मैं आपको इंडिया के ऐसे ही टॉप 10 हिल स्टेशन के बारे में बताऊँगा, और ये हिल स्टेशन हनीमून डेस्टिनेशन के लिए भी बेस्ट है। तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है नैनीताल। नैनीताल समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गर्मियों के मौसम में नैनीताल का मौसम एकदम सुहावना रहता है। यहाँ आप नैनी झील, मॉल रोड, नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट और बोटनिकल गार्डन जैसी कई खूबसूरत जगहों पर फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा सकते हैं। नैनीताल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। आप यहां केबल कार में बैठकर उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी सहित शहर और पहाड़ों के दिल छू जाने वाले नज़ारे भी देख सकते हैं, और आप यहां ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग और बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल की दूरी 300 किलोमीटर है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और यहाँ स्नोफॉल 2-3 साल में एक बार देखने को मिलती है। नंबर 9 पे है मसूरी। मसूरी समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। मसूरी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ आप मसूरी झील, कैम्प्टी फॉल, गन हिल जैसी कई खूबसूरत जगह भी देख सकते हैं। यहाँ ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा ट्रैक तो नहीं है, लेकिन मसूरी के आसपास एडवेंचर ट्रैक के लिए जा सकते हैं, और यहाँ रॉक क्लाइंबिंग, स्काई पैराग्लाइडिंग जैसी और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को घाटियों, झरनों और केबल कार से बेहद प्यार है, वो लोग मसूरी का रुख कर सकते हैं। दिल्ली से मसूरी की दूरी 290 किलोमीटर है, और बात करें टेम्परेचर की तो गर्मियों में 15 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच, और ठंड में -1 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, और दिसंबर एंड या जनवरी में आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। नंबर 8 पे है ऊटी। ऊटी 2200 मीटर की ऊंचाई पर तमिलनाडु का एक बेहतरीन हिल स्टेशन है। यहाँ आप ऊटी लेक, रोज गार्डन, व्यू पॉइंट जैसी कई खूबसूरत जगह देख सकते हैं, और टॉय ट्रेन में बैठकर ऊटी की खूबसूरती को भी जान सकते हैं। दिल्ली से ऊटी की दूरी 2400 किलोमीटर है, और गर्मियों में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, और ठंड में 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आपको यहाँ स्नोफॉल नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 7 पे है मुन्नार। मुन्नार केरल के पश्चिमी घाट पर स्थित एक हिल स्टेशन है, जो कि समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुन्नार में ब्रिटिश शासक गर्मियों से बचने और घूमने फिरने आते थे। यहाँ आपको प्राचीन झीलों, खूबसूरत पहाड़ों के साथ साथ चाय के बागान भी देखने को मिलेंगे। यहाँ तीन नदियाँ एक ही जगह पर मिलती है, जो कि मुन्नार को और भी पॉपुलर बनाती है, और यह जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए फेमस है। अत्तुकट वाटरफॉल और लक्कम वाटरफॉल यहाँ के फेमस वाटरफॉल है। दिल्ली से मुन्नार की दूरी 2500 किलोमीटर है, और यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और ठंड में 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ भी आपको स्नोफॉल काफ़ी कम देखने को मिलेगी। अब नंबर 6 पे है दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ आपको ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के साथ साथ चाय के बागान भी देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ 80 से भी ज़्यादा चाय के बागान देखने को मिलेंगे, और यहाँ से हर साल लगभग 9.6 मिलियन केजी चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा आप यहाँ की फेमस टॉय ट्रेन की सवारी, खरीदारी, मोनेस्ट्री यात्रा, जापानी मंदिर, रॉक गार्डन, टाइगर हिल जैसी कई खूबसूरत जगह घूमने जा सकते हैं। दिल्ली से दार्जिलिंग की दूरी 1500 किलोमीटर है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 30 डिग्री के पार नहीं जाता, और 15 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है, और ठंड में 1 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यहाँ भी स्नोफॉल आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। नंबर 5 पे है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह अपने अनोखे आकर्षण के कारण अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। इसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पूरे साल कई सारे भारतीय परिवार घूमने फिरने आते रहते हैं।
ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासकों ने शिमला को समर कैपिटल भी घोषित कर दिया था। यहाँ आपको बर्फ की चादर से ढकी हिल्स के साथ साथ द रिज, मॉल रोड, टॉय ट्रेन और ब्रिटिश आर्किटेक्चर की कई सारी बिल्डिंग्स, चर्च, जाकू टेम्पल और लक्कड़ बाजार जैसी जगह भी देखने को मिलेगी। यहाँ आप घूम और शॉपिंग भी कर सकते हैं। यह ट्रैकिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए बेहतरीन जगह है। दिल्ली से शिमला की दूरी 340 किलोमीटर है और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और ठंड में -1 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिसंबर एंड या फिर जनवरी में आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। नंबर 4 पे है शिलोंग। 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिलोंग अपने ब्यूटीफुल वेदर और ऊँचे ऊँचे झरनों के लिए जाना जाता है। मेघालय की कैपिटल होने के कारण यहाँ मानसून में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ आप उमियम लेक में बोटिंग, एलिफेंट फॉल, टेटलम कैनियन, पुलिस बाजार, बोटनिकल गार्डन, शिलोंग पिक पॉइंट जैसी कई खूबसूरत जगहों पर जा सकते हैं। दिल्ली से शिलोंग की दूरी 2000 किलोमीटर है और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और ठंड में 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और स्नोफॉल आपको यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलेगी। नंबर 3 पे है गुलमर्ग। गुलमर्ग को जम्मू कश्मीर का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जो कि अधिकतर बर्फ़ की चादर से ढका रहता है और यह 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिल गोंडोले यानी केबल कार की वजह से फेमस है। यह भारत के सबसे ऊंचे केबल कारों में से एक है, जिसमें बैठकर आप 13000 फीट की ऊंचाई से इस जन्नत जैसी जगह को देख सकते हैं। यहाँ आपको ठंड में स्कीइंग, स्नो स्कूटरिंग और टोबोगनिंग जैसे स्पोर्ट्स भी करने को मिलेंगे और यहाँ आपको सेंट मेरीज चर्च, महारानी टेम्पल, अल्फाजार लेक, स्ट्रॉबेरी वैली जैसी कई खूबसूरत जगह भी देखने को मिलेगी। गुलमर्ग श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर और दिल्ली से 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और ठंड में -4 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और आपको दिसंबर एंड या फिर जनवरी में स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पे है मनाली। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर है और सर्दियों के समय में मनाली बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आती है। आपको यहाँ हिडिम्बा मंदिर और विशिष्ट मंदिर जो कि 4000 साल पुराना बताया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ कई खूबसूरत झरने, वन विहार पार्क, ब्यास नदी और सोलंग घाटी जैसी खूबसूरत जगह देखने को भी मिलेगी। एडवेंचर एक्टिविटीज़ की बात करें तो मनाली से बेहतर एक्टिविटीज़ आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। यहाँ आपको ठंड में स्कीइंग, स्नो स्कूटरिंग और टोबोगनिंग जैसे स्पोर्ट देखने को मिलेंगे और गर्मियों में पैराग्लाइडिंग, जोरबिंग और क्वाड बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। यहाँ ब्यास नदी में राफ्टिंग और मनाली में ट्रैकिंग और कैंपिंग काफ़ी फेमस है। दिल्ली से मनाली 538 किलोमीटर की दूरी पर है और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और ठंड में -1 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आपको दिसंबर और जनवरी के बीच में स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख एक बहुत बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और लेह इसका एक खूबसूरत शहर है। यह जगह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड फेस्टिवल, खूबसूरत आसमानों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। यहाँ जाकर इन पहाड़ों के बीच बाइक राइड करना हर टूरिस्ट और ट्रेवलर का सपना होता है, जो कि मेरा भी है और इंशाल्लाह एक दिन मैं यहाँ जरूर जाऊँगा और आपको भी वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बहुत आगे चले गए, हम वापस आते हैं। दिल्ली से लद्दाख 960 किलोमीटर की दूरी पर है और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और ठंड में -10 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आपको दिसंबर या जनवरी में स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। वैसे इन हिल स्टेशन के अलावा भी इंडिया में कई सारे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं जिनको शायद मैंने मिस कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं जिनको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ट्रैवल से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।